हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि एडिबल बटरफ्लाई को आप केक के ऊपर किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये केक आजकल ट्रेंड में बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो आइए देखते हैं हम इसे किस तरीके से बना सकते हैं। तो ये केक पाइनएप्पल फ्लेवर का होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक पाइनएप्पल बेस लिया है। अब हम यहाँ पर केक को केक मोल्ड से निकाल लेंगे। तो आप देख ही सकते हैं हमारा जो केक है वो कितना सॉफ्ट बनकर रेडी होता है। अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। अब हम यहाँ पर इसकी ऊपर की एक पतली लेयर निकाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने इसे दो लेयर में कट कर लिया है। अब हम इसे पानी या शुगर सिरप की सहायता से सोक कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर अब हम लगाएंगे व्हिपिंग क्रीम। तो व्हिपिंग क्रीम की वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। क्रीम को हम पैलेट नाइफ की सहायता से केक के ऊपर अच्छी तरीके से फैला लेंगे। अब पाइनएप्पल केक होने वाला है, तो यहाँ पर हम पाइनएप्पल क्रश का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा पाइनएप्पल क्रश डाल के पैलेट नाइफ को धीरे से चला देना है इसके ऊपर, जिससे कि क्रीम के ऊपर एक लेयर लग जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हम हमारी सेकेंड लेयर लगाएंगे। जिस तरीके से हमने पहली लेयर लगाई थी उसी तरीके से हम यहाँ पर सेकेंड लेयर लगाएंगे। तो पानी से इसे सोक करके क्रीम की एक लेयर लगाकर क्रश की एक लेयर लगा लेंगे। अब हम यहाँ पर हमारी लास्ट लेयर रखेंगे और इसे खाली पानी या शुगर सिरप की सहायता से सोक कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सारे केक जो हैं वो बराबरी में एक के ऊपर एक लगे, वो आगे पीछे नहीं होने चाहिए। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी क्रीम लेके इसकी क्रम कोटिंग कर लेंगे। क्रम कोटिंग कर लेने से केक की फिनिशिंग जब हम करते हैं, फाइनल आइसिंग करते हैं, तब इसके क्रम्स नहीं आते, इसलिए क्रम कोटिंग की जाती है। क्रम कोटिंग करके हम इसे गोल्डन प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर मैं वाइट क्रीम ली हूँ। अब हम इसमें पिंक कलर ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कलर डालने के बाद क्रीम जो है वो मेल्ट हो जाती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप कलर मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए फ्रिज में क्रीम को रख दीजिएगा, तो वापस से क्रीम जो है वो सेट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर मैंने पाइपिंग बैग को थोड़ा सा कट कर लिया है सामने से और इसमें क्रीम फिल कर ली है। अब हम नीचे से ऊपर की ओर पाइपिंग बैग को चलाते हुए क्रीम को पूरे केक में अच्छी तरीके से लगा लेंगे। तो दोस्तों, आप चाहो तो पैलेट नाइफ से भी ये काम कर सकते हो, लेकिन इस तरीके से काम करने से बहुत ही इजी तरीके से, अगर आप नए हैं तो बड़ी ही आसानी से केक की फिनिशिंग हो जाती है। तो यहाँ पर पूरे केक में क्रीम लग चुकी है। अब हम पैलेट नाइफ से ऊपर की साइड पे इसमें फिनिशिंग देंगे। तो यहाँ पर हम क्रीम को फैला लेंगे और पैलेट नाइफ को चलाते हुए टर्न टेबल को घुमाते जाएंगे, जिससे कि केक में अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। अब हम नीचे के साइड में स्क्रैपर की सहायता से इसे फिनिशिंग दे देंगे। साथ ही यहाँ पर जिगजैग वाले स्क्रैपर से नीचे के साइड पे लाइंस बना लेंगे, जिससे कि केक और भी सुंदर लगेगा। अब यहाँ पर मैंने 1 mm नोजल का इस्तेमाल किया है। इसे हम पाइपिंग बैग में डाल लेंगे और पिंक कलर की क्रीम को भर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें सबसे पहले देख लेना है कि कहाँ पे हमें फ्लावर्स बनाने हैं। तो साइड की तरफ हमें फ्लावर्स बनाने हैं, तो हल्के हाथों से हम रोज बनाते जाएंगे। यहाँ पर बस आपको पाइपिंग बैग को राउंड घुमाते जाना है और रोज निकल करके आ जाएंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने ऊपर की साइड पे 5 फ्लावर्स बना लिए हैं। अब हम नीचे की साइड पे भी 2 फ्लावर्स बना लेंगे। अब हम यहाँ पर हर फ्लावर के सेंटर में एक छोटे छोटे स्टार फ्लावर्स बना लेंगे, जिससे कि डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसके दूसरे साइड पे भी इसी तरीके से फ्लावर्स बना लेंगे। अब हम यहाँ पर पिंक और वाइट कलर की स्प्रिंकल से इसे डेकोरेट करेंगे। तो दोस्तों, अब बारी आती है एडिबल बटरफ्लाई की। तो फ्रेंड्स, ये वेफर की बनी होती है, तो आप इसे खा सकते हैं और कस्टमर को भी केक्स में लगाकर दे सकते हैं। अब हम इसे हल्के हाथ से थोड़ा सा बेंड करके लगाएंगे, जिससे कि ये एकदम ओरिजिनल दिखाई देगी। तो एक एक करके हम यहाँ पर ढेर सारी बटरफ्लाइज लगा लेंगे। तो मार्केट में बहुत सारे कलर और डिजाइन की बटरफ्लाई आती है, आप इसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा केक बनकर रेडी है। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। तो अब हम आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।